देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है और आएगा, क्योंकि गुनहगारों को बचाने वालों की आखिरी चाल भी बर्बाद हो गई। रिया के रक्षकों का राज पूरा देश जान गया। शालिनी राजपूत के जाने के बाद जिस प्रकार कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री में कई बड़ी चीजें निकल के आई, वहीं पे कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री का एक और रूप निकल के आया कि इंडस्ट्री को किसी से मतलब नहीं, इंडस्ट्री शांत चुपचाप अपने काम से मतलब रखने वाली ऐसी इंडस्ट्री बन गई थी सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद। वो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री को जब फिल्में चलानी थी, प्रमोशन करना था तो जनता याद आती थी, पर आज उन्हीं इंडस्ट्री के बीच में से एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि जिनको हम फॉलो करते हैं कि सही में वो फॉलो करने जैसे लोग हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सबकी लाइफ पर्सनल होती है, पर चौंकाने वाली खबरें तो इंडस्ट्री से निकलती हैं। और आज एक और खबर ऐसी निकल के आ रही है, पर उसको बताने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें जिस प्रकार सुशांत मामला हुआ था, इंडस्ट्री शांत थी, पर सुशांत के साथ क्या हुआ, किसने गलत किया, ये सवाल आज भी बने हुए हैं और इन सवालों के जवाब आज भी देश की जनता मांगती है। जिस प्रकार सुशांत मामला हुआ, मामले में जल्दबाजी हुई, जिस प्रकार जांच हुई, जिस प्रकार मामला मिस्टीरियस था, जिस तरीके से उस घर में पिकनिक स्पॉट लग रहा था पूरा वो घर उस दिन, ये सारे सवाल आज भी पूछे जाते हैं। उनका पीएम क्यों हुआ उस रात, उसके साथ साथ जो ऊपर के स्टाफ मेंबर थे रूप कुमार शौर्य, उनका स्टेटमेंट, साथ में कई और लोगों ने जो इस पूरे मामले को लेकर बातें की हैं, कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर रखी हैं, उसके बाद मामले पर कई सवाल उठे और आज भी कहा जा रहा है कि मामला इतना मिस्टीरियस है और सवाल यही पूछे जाते हैं कि क्या मामले में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व तो नहीं है, इसीलिए मामला दबा, इसीलिए मामला रुका। अभी आने वाले वक्त में ही पता लगेगा जांच के बाद कि मामले का सच क्या है। पर इसी के बीच इंडस्ट्री में एक और छुपाने वाली खबर निकल के आ रही है। हो सकता है कि हम इंडस्ट्री वालों को बहुत पसंद करते हो, इंडस्ट्री का कल्चर पसंद करते हो, पर इतने भी एडवांस मत हो जाना जितने इंडस्ट्री वाले होते हैं। जहां पर कहा जा रहा है कि खबर ये निकल के आ रही थी कि मलाइका अरोड़ा खान क्या आने वाले वक्त में अर्जुन कपूर से शादी कर सकती हैं, ये खबर आपने बहुत सुनी होगी। पर ऐसी खबर के बीच में एक चौंकाने वाली खबर ये निकल के आई है कि 24 दिसंबर मतलब आने वाले अगले दो दिन के अंदर अरबाज खान शादी कर रहे हैं। ये खबर आज तक ने छापी है, अब सच्चाई क्या है झूठ क्या है ये हमको नहीं पता, आज तक ने खबर छापी है और लिखा है कि अरबाज खान 24 दिसंबर को शादी कर रहे हैं और शादी ये कर रहे हैं सोहरा खान से। सोहरा खान कौन है, ये एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि रवीना टंडन और उनकी बेटी की प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बताई जाती हैं और एक शूटिंग के दौरान अरबाज खान से इनकी आंखें मिली और फिर प्यार ऐसा हुआ जिसके बाद अरबाज खान की जो गर्लफ्रेंड बताई जा रही थी हाल ही में, जो उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया थी शायद, उससे ब्रेकअप हुआ और अब शादी की बातें हो रही हैं इनसे। वहीं बताएं 2018 में या 17 में इनका डिवोर्स हुआ था मलाइका अरोड़ा खान से और मलाइका अरोड़ा खान इस समय अर्जुन के पास है और अर्जुन कपूर और मलाइका की शादी की खबरें हो रही थी, पर शादी की खबरें उनकी होती रहीं। यहाँ पर शादी की खबरें अब अरबाज खान की आ गई हैं और शादी की डेट भी बताई जा रही है। तो क्या सही में 24 तारीख को अरबाज खान की होने वाली है शादी, इनका एक बेटा भी है, पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुशांत के रिलेशन को लेकर सवाल उठाते हैं लोग, सुशांत ने ब्रेकअप क्यों किया, इन चीज़ों को लेकर सवाल उठाते हैं लोग, पर सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई था क्या, बन के तो दिखाए वैसा, आपकी क्या कहना है कमेंट बॉक्स आप लिख बुलाए, और वैसे भी सबकी पर्सनल लाइफ में जिसको जो करना है वो करे, हमको क्या, हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है बॉलीवुड बिग न्यूज़ और फेसबुक का नया चैनल सागर मोहल्ला, दोनों के साथ जुड़िएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।